आदाब नाजरीन आप जुट चुके हैं इस वक्त जेके न्यूज पॉइंट के साथ में आपका मेजबान पीर मुजाफर और मेरे साथ है मेरे वीडियो जस्ट मिर बिल्कुल नाजन मोहतर हम आपको हम बताते चले बिल्कुल आज जो वीकेंड लॉकडाउन है इस हवाले से इस वक्त हम बिल्कुल मौजूद है अतरुसु में जो अतर शांगस का इलाका है यहाँ पे आप देख रहे हैं जो वीकेंड लॉकडाउन की सिचुएशन वो किस प्रकार की है यहाँ पे पुलिस के जो एहलकार है वो लगे हुए हैं खुद यहाँ पे जो एस एच ओ अतरुस है खुद यहाँ पे निगरानी कर रहे हैं लोगों को यहाँ पे अपील कर रहे हैं कि वो जो एसओ पीज है जो गाइडलाइन है उन को फॉलो करने में अपना रोल अदा बिल्कुल आपको मैं बता दूं इसी तरह कि अगर हम सूरत हाल अच्छा बल्कि भी आपको सुबह सुबह आप दिखा रहे थे हमने आपको दिखाया या कुकरनाग से भी हमारे जो विजुअल्स आ रहे थे वहां पे भी इस वक्त पुलिस सिविल एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है जो वीकेंड लॉकडाउन है इसको अमलाने में और साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि वो जो गाइडलाइन है इस पर वो अमल पैरा हो जाए बिल्कुल थोड़ा मैं आपको यहाँ पर अपडेट बता दू पिछले चौबीस घंटों को जो हमारे पास इस वक्त आंकड़ा है उसके मुताबिक चौदह केसेस आ गए थे जिसमें जम्मू से हमारे पास जो इस वक्त अपडेट है उसके मुताबिक 607 और कश्मीर प्रावन से आठ सौ बाईस यानी आठ सौ बाईस एट हंड्रेड ट्वेंटी टू और जम्मू से सिक्स हंड्रेड सेवन इसका यह मतलब है एक तरफ ये आ, उम्मीद की किरण जाग उठी है कि जो कोविड मस्बत केसेस इस वक्त सामने आ रहे हैं उसमें कमी तो वाका हो रही है और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं बिल्कुल कल रात ही जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की जो एलजी है उन्होंने एक मीटिंग बुलाई आ, और इसमें जो कोविड प्रोटोकॉल है उसके हवाले से वहां पर बात की गई और साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन से बारह ये अपील की गई है कि वो लोगों को एहतियात बरतने के लिए हर वक्त आगा करे बिल्कुल आपको मैं बता दूं ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं वीकेंड लॉकडाउन की जो सूरत हाल है यहाँ पे जो कारोबारी सरगर्मी वो बिल्कुल ठप पड़ी हुई है और यहाँ पे अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें जो नकल हमल है लोगों के साथ साथ गाड़ियों की ट्रांसपोर्ट जो यहाँ पे नकल हमल वो भी दिखाई नहीं दे रही है इसका ये मतलब है कि अब अलहदुल्ला लोग मुहजब बन चुके हैं और लोग जो इस वक्त वीकेंड लॉकडाउन है उसको अमलाने में अपना रोल अदा कर रहे हैं इसीलिए हम भी आपके आ, सामने आ, 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 आ रहे हैं हमेशा यही मैसेज लेके कि जितना हो सके आप इस वीकेंड लॉक दे उनको कामयाब बनाने में अपना रोल अदा करें बेसिकली आपको पता है कि जो कोविड की जो मजबूत केसेस सामने आ रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कई दिनों से अगरच गिरावट अब नजर आ रही है लेकिन अभी भी लोगों को इसको अमलाने में अपना रोल अदा करना ही होगा नाज़िर मोहतरम आपको मैं बता दूं बिल्कुल अगर हम पिछले दो वेव्स की बात करें जो कोविड 1 कोविड नाइन्टीन की जो दो वेव इस वक्त गुजर चुकी है फर्स्ट एंड सेकंड अगर जो उसमें लोगों ने कॉपरेट किया है अगर जो उसमें लोगों ने एस ओ पी को फॉलो अप करने में अपना रुदा किया तभी तो वो दोनों जो वेवज थी अल्हम्दुलिल्लाह हम उससे निकल गए लेकिन जो तीसरी वेव थी कोरोना की जो इसमें ओमिक्रोन वायरस जो सामने आ गया इसके हवाले से भी एडमिनिस्ट्रेशन सतर्क हो गई और लोगों से भी अपील की गई कि वो बारह जो इस वक्त गाइडलाइंस दी जा रही है बिल्कुल आप इस वक्त देख रहे हैं जो ये रास्ता है ये बिल्कुल जो शांगस कॉन्स्टुंसी यहां छित इलाका ऊपर जा रहा आप देख रहे हैं यहां पर पुलिस के एहलकार खासकर मैं फिर से बता दूं एस एच ओ उत्तर खुद यहां पर इस वक्त निगरानी कर रहे हैं और इस वीकेंड लॉकडाउन को अमलाने में लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो अपने ही घरों में रहे क्योंकि आपको पता है कि जो इसकी ये चेन है ये बढ़ती जा रही है लेकिन अल्हमद कई दिनों से हम देख रहे हैं जो ये केसेस सामने आ रहे हैं इसमें अब गिरावट हो रही है तो इसका यह मतलब ये नहीं कि हम इसको मामूली ले इसको हम आसानी से तस्वर कर ये नहीं जितना हो सके उतना हमें इस जो गाइडलाइंस है जो हमें वक्तन फवक्ता एस ओ पी दिए जा रहे हैं दो गज की दूरी मास्क जरूरी सोशल डिस्टेंसिंग या इसके साथ साथ जो वैक्सीनेशन या सैनिटाइजर इन चीजों को अगर हम बाकायदा तौर इस्तेमाल में लाएंगे तो वो वक्त दूर नहीं होगा जो ये कोविड की ये तीसरी ये महामारी तीसरी ये लहर ये भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी इसी तरह अगर हम कुकरनाग की भी बात करें वहां पर ही पे भी एस डी पी कुकरनाग या एस एच ओ कुकरनाग या अच्छा बल की बात करें वहां पे भी सुबह से ही एस डी पी ओ अच्छा बल एस एच ओ अच्छा बल वहां पर भी वो निगरानी कर रहे हैं और बिल्कुल आप देख रहे हैं नाजरी मुहतम थोड़ा मैं आपको बता दूं यहां पे पुलिस के एहलकार लोगों से पूछ गछ कर रहे हैं अगर किसी को एमरजेंसी हो तो उसी सूरत में उसको आगे जाने की इजाजत दी जा रही है तो तो इसके दीजिए अपने मेजबान और मेरे वीडियो जस्तारख मीर को इजाजत इस वादे के साथ अल्लाह ने चाह आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी तब तक आप खुश रहे आबाद रहे खुदा हाफिज अस्सलाम वालेकुम